हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुर सवाणी और आज हम ऐसी चीज अनबॉक्सिंग करने वाले जैसी आपने कभी देखी नहीं होगी। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले 3D प्रिंटर का। जी हां दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले 3D प्रिंटर एंडर का। यहां पे आप मॉडल नंबर देख दो, एंडर 3 न्यू, जिसका हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बॉक्स आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एंडर लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है। इस तरफ आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको मशीन का फोटो देखने को मिल जाता है। इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर और भी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। आइए दोस्तों, हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पेपर मिल जाते हैं, जहाँ पे आप ये देख रहे हो यह बुकलेट है, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाती है किस तरह से मशीन फिट करना है और मशीन के बारे में। उसके अलावा कुछ स्टिकर आ जाते हैं यहाँ पे, और ये आप देख रहे हो ये वारंटी कार्ड है, और ये आपको कंपनी का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जेड प्रोफाइल और एक्स प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है, जो कुछ रोड है जो आपके मशीन पे फिट होने वाली है। ये बेस कंपार्टमेंट है जहाँ पे पूरा मशीन फिट होने वाला है, इसके ऊपर ही और किस तरह से फिटिंग होने वाला वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक्सटेंशन किट है, ये आप देख रहे हो मोटर है जो मशीन में फिट होने वाली है। ये पावर सप्लाई मॉड्यूल है। यहाँ पे आपको कुछ स्क्रूज और एलन की मिल जाती है जिससे पूरा मशीन फिट होने वाला है, और इसके अंदर क्या क्या आता है वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन मिल जाती है, स्क्रीन से आपको पूरा मशीन ऑपरेट करना होता है। ये फिलामेंट है जिससे पूरी प्रिंट अप बनती है। ये पावर केबल आपको मिल जाता है एक। ये भी एक पार्ट है जो मशीन में फिट होने वाला है। एक ब्लेड मिल जाती है जिससे आप जो भी बनाते हैं उसको निकालने के लिए और ब्लेड क्लीन करने के लिए ये काम आएगी। ये आप देख रहे हो, ये जो मटेरियल आपने देखा था उसको लगाने के लिए ये काम में आता है, वो मैं आपको फिट करके दिखाने वाला हूँ किस तरह से फिट होने वाला है। इस बॉक्स के अंदर जितने भी पार्ट आए वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे पार्ट इस बॉक्स के अंदर आए हुए हैं। ये किट है, और किट के अंदर क्या क्या आता है वहाँ में यह मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो एक बेल्ट आया हुआ है, कुछ स्क्रू आ जाते हैं इसके अंदर जो मशीन के अंदर फिट होने वाला है, एक कटर आ जाता है, और भी और स्क्रू है। ये एक पार्ट है जो मशीन के अंदर फिट होने वाला है। एक नोजल आ जाती है अलग से, पेमरी कट आ जाता है, एलन की आ जाता है, कॉरिडोर भी आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर, और भी स्क्रू आपको देखने को मिलते हैं। और ये आप देख रहे हो नोजल क्लीनर है। ये हमारे सारे स्पेयर पार्ट यहाँ पे आ चुके हैं। दोस्तों मशीन फिट इसी सारे किट से हो जाएगा, और किस तरह से फिटिंग हुआ स्टेप बाय स्टेप हमें अगले वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर से जरूर देखिए, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से
स्पेयर पार्ट कहाँ पे फिट होने वाले और कि कौन से स्क्रू कहाँ पे फिट हो गए, तो पूरी डिटेल में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जरूर से जरूर देखिएगा, जहाँ पे मैं आपको पूरा मशीन फिट करके दिखाने वाला हूँ। ये पूरा मशीन फिट होके तैयार हो चुका है और यहाँ पे आप देख रहे हो मशीन की कुछ टेस्ट ले रहे हैं, वो भी मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी जरूर से जरूर दिखेगा। यहाँ पे हम देख रहे हो आप ये एक प्रिंट दे रहा हूँ और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो वो भी आप देख सकते हो। और पहली बार में भी हमारे प्रिंट बहुत ही बढ़िया आई थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये बनने के बाद। अभी हम बॉडी की 3D प्रिंट बना रहे हैं, तो लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कैसी बनी है 3D प्रिंट। ये आप देख रहे हो 3D प्रिंट बोर्ड की बन के आपके सामने आ चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप 3D प्रिंट इसमें कर सकते हो और सिंगल कलर जो भी है वही यहाँ पे प्रिंट होगा, जो भी आप कलर लगाना चाहते हो वो लगा के इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों, ये मशीन मैंने अमेजोन से परचेस किया हुआ है और इसकी प्राइस की बात करें तो 18,000 के आसपास आपको अमेजोन से मिल जाएगा। अगर आपको ये मशीन पसंद आया हो, परचेस करना चाहते हो, मेरे वीडियो के नीचे लिंक डाली हुई है, वहाँ जाके आपको इसको परचेस कर सकते हो। दोस्तों, आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियो? अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।